कुचामन सिटी चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने पर कुचामन में सर्व ब्राह्मण समाज में खुशी का इजहार किया। इस मौके पर आतिशबाजी करने के साथ भी प्रबंधों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। सर्व ब्राह्मण महासभा के नगर अध्यक्ष घनश्याम गौड़ ने बताया कि चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी मिलने के बाद कुचामन सिटी के सर्व ब्राह्मण समाज में खुशी की लहर छा गई। उन्होंने कहा कि जो पार्टी ब्राह्मण समाज का साथ देगी, ब्राह्मण समाज उनका साथ देगा। ब्राह्मण समाज के सदस्य न्यू कॉलोनी स्थित सर्व ब्राह्मण समाज बंधु केवीएम स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। युवा नेता विमल पारिक ने कहा कि राजस्थान में ऊर्जावान, क्षमतावान और नौजवान प्रदेशाध्यक्ष मिला है। इस दौरान सर्व ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष घनश्याम गौड़, गिरिराज खटिक, पूर्व पार्षद गौरी शंकर शर्मा, राजू शर्मा, सौरभ गौड़, संजय खंडेलवाल, गोविंद राम उपाध्याय, कमल कुमार गौड़, अंबिका शरण, आलोक पराशर, मोहित प्रधान, राजकुमार महर्षि आदि मौजूद रहे। ऐसा नहीं है महाकुंभ पे महापंचायत भारी पड़ी है, वो तो क्या हमने ब्राह्मण सोए हुए थे वो जग रहे हैं। दूसरा है कि भारतीय जनता पार्टी को हम धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने पहचाना हमारी एकता को और योग्य व्यक्ति को भाजपा का जिलाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसके लिए हम पार्टी के सदैव आभारी रहेंगे और ब्राह्मण समाज जो ब्राह्मण हित का काम करेगा उसका हमेशा साथ देता रहेगा। ये जो परिवर्तन हुआ उसको लेकर ब्राह्मण समाज की क्या प्रतिक्रिया? परिवर्तन में ब्राह्मण समाज में खुशी की लहर छाई हुई है, क्योंकि ब्राह्मण समाज को कुछ पिछले दशकों में अनदेखा कर रहे थे सभी पार्टियां। कई ब्राह्मणों के आज के कहीं भी देख लो, कहीं राजनीति में देख लो, चाहे सरकारी डिपार्टमेंटों में देख लो, कहीं भी ब्राह्मण अधिकारी कोई सुनी नहीं जाती है। कई ब्राह्मण अधिकारी को तिरस्कृत किया जाता है, अपमानित किया जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे ब्राह्मण सोया हुआ है वो जगह है, तो सभी राजनीतिक पार्टियों में हलचल बढ़ी है और निश्चित ही इसका परिणाम सही सफल परिणाम मिलेगा।